kanka. Okay. So you're gonna say hi, Halko, huh? Say hi. Hi, Halko. Assalamu alaikum. So today is Saturday and family's here, all kids are here. So I try to make something different. No. So, you mean Ayla and Amaya and. Yes, Ayla can't come. Ayla can't come, but Hannah, Amaya, they're all gonna be here in a minute, okay? Okay. Ayla can't come. She's in Bradford, kana, huh? So, aaj hum kuch different banane. Because too far. Yeah, we're too far. So, aaj hum kuch different bana rahe hain. Different kya bana rahe hain? Italian pasta bana rahe hain. But so, they can come by themselves to drive to our house. Oh yeah, okay. Aur Caleb mere saath help karega aur aap logo ke saath baatein bhi karega. Isn't it? Say Caleb. Say assalamu alaikum. Tasu sing rahe hain. Say tasu sing rahe hain. So Caleb ask you in Pashto, how are you? Okay, so let's make Italian pasta salad. Let's begin. Please subscribe and click the bell to get notification. इसके लिए जो मुझे चीजें चाहिए वो कुछ यू है. पास्ता सैलेड बनाने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए वो कुछ यू है. 2 रेड ऑनियन है, पार्सली है, क्यूकम्बर है, 3 कैरेट है, अबाउट 20 छोटे साइज के चेरी टोमेटोज है, पर आप बड़े टोमेटो भी यूज कर सकते हैं. और ये मेरा रेड और वाइट या ग्रीन कैबेज जिसको आप कह सकते हैं, ये है. अच्छा, इसके लिए मैं ऑयल बनाऊंगी. ऑयल के लिए मुझे जो स्पाइस चाहिए है वो कुछ यू है. सो मुझे ब्लैक पेपर चाहिए, ऑरिगैनो चाहिए, पार्सली चाहिए, इटालियन हर्ब्स चाहिए और ऑलिव ऑयल, विनेगर और नॉर्मल मेयोनेज चाहिए. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. पहले सबसे पहले हम ऑयल बनाते हैं. किसम का जार ले ले, like you know, maybe any empty jar or whatever you go in your house. First मैं ऐड करूंगी about half a cup extra virgin oil, okay? Extra virgin oil. Yes. So ये तकरीबन half a cup exactly मैं लूंगी. Half. इस मेरे जार में 1.5 cup आता है, तो मैं इसका हाफ अ कप ऑयल मुझे मेरा तकरीबन यहाँ तक हो जाता है. ये वाइट विनेगर अबाउट 6 टेबल स्पून, ठीक है. अब इसमें मैं डाल दूंगी मेयोनेज अबाउट 2 टेबल स्पून, ठीक है. तो 2 टेबल स्पून मेयोनेज डाल दिया. यस. अब इसके लिए जो मैं मसाले ले रही हूँ वो है ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, पार्सली, इटालियन हर्ब्स और बाजिल, ठीक है. और हाफ स्पून मैंने नमक ले लिया और 1 टीस्पून मैंने शुगर ले लिया ताकि विनेगर के टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस कर दे. सो ये डालना शुरू कर देते हैं. सॉल्ट, शुगर, बासिल, ब्लैक पेपर, इटालियन हर्ब्स और पार्सली. ड्राई पार्सली है ये, ठीक है. ये सब ड्राई मसाले हैं. अब इसमें मैं डालूंगी गार्लिक के. अब इसको मैं चीज श्रेड करके डाल दूंगी. दिस नो चीज बचा. इस गार्लिक चीज नो, इट लुक लाइक चीज बट इट्स नो एट द बॉटम इट लुक्स अ बिट लाइक चीज. यस, कैलब कह रहा है कि बॉटम से ये चीज की तरह लगता है. ओके, इज इट बीट बीट but it's actually pepper. No, it's not pepper. It's called garlic. Garlic? Yes. Like garlic sauce? Like garlic sauce, yeah. You're a very clever boy.
There's barbecue sauce and there's barbecue lemon. So सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डल गई हैं अब. अब मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगी. प्लीज, मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट बंद कर दिया और इसको अब मैं क्या करूंगी? शेक 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 अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से इसको आपने शेक करना है. ठीक है, और ये हमारा ड्रेसिंग तैयार है. इसको इस साइड पे रखते हैं और हम दूसरा अपना प्रोसेस शुरू करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो ये है. मैंने ले लिए हैं 3 कप पास्ता. 3 कप पास्ता ले लिया है. मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी. ज्यादा सॉल्ट ऐड ना करना. सो डोंट ऐड टू मच सॉल्ट बिकॉज यू ऑलरेडी पुट सॉल्ट इन द ड्रेसिंग एज वेल. सो जस्ट अ लिटिल बिट सॉल्ट. And now, और अभी इसमें मैं गरम गरम पानी डाल दूंगी, बॉइल पानी. ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पास्ता के ऊपर बॉइल पानी आपको डालना चाहिए. कुछ लोग ठंडे पानी में पास्ता पकाते हैं, सो इट्स नॉट रियली गुड. सो एज आई से इन उर्दू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट हॉट बॉइलिंग वाटर ऑन योर पास्ता. समटाइम्स पीपल कुक इन कोल्ड वाटर एंड द पास्ता इज weird. I'm gonna put that on medium flame for 5 minutes, but make sure don't overcook. So मैं अब ये पास्ता रख दूँ कुकर पे और इतना 5 to 7 minutes के लिए पकाऊंगी. लेकिन make sure करें कि ये overcook ना हो जाए, क्योंकि overcook हो जाएगा तो पास्ता का मजा नहीं रहेगा. मैं इसको रख दूँ फ्लेम पे. दूसरी जो एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि पास्ता के ऊपर कभी भी टॉप ना रखे, उसको खुला ऐसे रहने दें, खुला होके वो बॉइल हो जाए. तो अब हम अपना थर्ड प्रोसीजर करते हैं. तो अब हमारा तीसरा स्टेप होगा इसका सैलेड रेडी करना. तो सैलेड के लिए हम पहले ले लेंगे क्यूकम्बर. एंड सो इस पास्ता में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी का सैलेड डाल सकते हो. मैं इंग्लिश क्यूकम्बर डाल रही हूँ. साइड पे कर दूंगी. आई प्लेस दिस ऑन वन साइड. स्टार्ट माय ऑनियन. ओके, सो ऑनियन को मैं हमेशा मिडल में ऐसे काट लेती हूँ और फिर रियली स्मॉल चॉप करती हूँ. एंड नाउ वी टेक चेरी टोमेटो. सो चेरी, आई टेक अबाउट 3 कप चेरी. ओके, लेट देम कम. माय ग्रैंड चिल्ड्रन आर हियर एंड नाउ मीको इज हियर. ही लुकिंग फॉर सम जंक एंड हिज जंक इज अपस्टेयर्स, इजन इट? मीको जान, आई एम गोना बी फ्री इन अ मिनट. ओके, जस्ट 1 मिनट. यूजुअली आई गिव देम 10 मिनट्स एंड नाउ आई एम बिजी, सो आई एम गोना चॉप माय कैबेज. ओके, अगेन कैबेज इज वेरी थिन एज वेल. माय पार्सली, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ एंड्स ना डालें, सिर्फ यहां से डाल दें. जो आखिर में मैं काटूंगी वो होगा मेरा, ये मैंने लिए हैं हलाल टर्की के स्लाइस हैं और ये मैंने लिए हैं ये स्पेनिच टर्की. ये है तो ये मैंने लिए हैं. ये टर्की है, एक किस्म की टर्की है, स्पाइसी ये है. अब इनके मैं पतले स्लाइस बना दूंगी. ठीक है, ये देखिए ये ऐसे पतले साइज बन जाएंगे इस किस्म के. मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद होता है. माई चिल्ड्रन लव दीज काइंड ऑफ
स्पेशली दीना लव दिस। थोड़ा सा खोल ले इसको अच्छी तरीके से खोल ले ताकि ये अलग हो जाए, ये जितने स्लाइस है ये अलग हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये कैसे है, इनकी थिकनेस सारी खत्म हो जाए और ये ऐसे हो जाए। और अभी मैंने अपना पास्ता सिप कर दिया, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर पास्ता ऐसे एक दूसरे के साथ मिल जाता है। तो ये देखिए ये मेरा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए इस किस्म का बना है। अब इसको मैं सिप कर दूंगी और सिप करके उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी और फिर लाके आपको दिखाती हूँ। मुझे काम करने के लिए नहीं छोड़ रहा, वो बार बार नॉक कर रहे किचन का कि मैं आके तुमसे बातें करता हूँ। ये मेरा मीक आगे कम है, नो 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 दिस वे दिस वे दिस वे कम है, आज 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 कम। ये मेरा मीक हो गया और ये अब आ गया है। ये सैटरडे संडे मेरे साथ टाइम गुजारते तो खुश नहीं है। तो व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, okay, ask Maliha to give you, go Maliha। तो चले अब मैं आपको बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ। सिर्फ कर दिया है ओके और अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ओके, मैंने ये मेरा पास्ता बोल है, इसको मैंने ले लिया, मैंने अपना सारा पास्ता इसमें डाल दिया। ये देखिए ये मेरा पास्ता इसमें आ गया है और अब आपको मैं अपनी चीजें दिखा दूं। तो ये मेरा पास्ता बॉल हो गया है, ये मेरे सारे टर्की के स्लाइस हो गए हैं, टर्की स्लाइस। ये मेरा मोज़रेला चीज है जिसके ये हलाल मिलता है हलाल शॉप में और ये ऐसे किस्म के डाइस होते हैं, पर आप मोज़रेला पर्ल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपको अपने सैलड भी दिखा दूं। तो ये मेरे सारे सैलड मैंने काटे हैं, आप कुछ भी सैलड खा सकते हैं। अगर ये घर में मौजूद नहीं है तो आप कोई भी अपनी मर्जी का सैलड ले सकते हैं। मैंने ये जो सैलड लिया है ये देखें, 1.5 ऑनियन, 3 कैरेट, अबाउट 15 चेरी, मैंने थोड़े से कम कर दिए मुझे ज्यादा लगे तो मैंने 15 ले लिए, 1 लेमन, 1 बंच पार्सली, ग्रीन कैबेज एंड रेड कैबेज। ये मेरे सारे सैलेड है और अब आपको मैं दिखाती हूँ मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूंगी। और मैं इसको बहुत ही प्यारे तरीके से इस किस्म का करती हूँ, एक साइड पे क्यूकम्बर डाल देती हूँ, ये बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप मिक्स करने से पहले भी रख दे फैमिली के सामने और फिर टेबल पे मिक्स कर दे तो भी अच्छा लगता है। ये देखिए, फिर एक साइड पे मैं सारे कैरेट रख दूंगी और ये इतना खूबसूरत लगता है ना कि आपको क्या बताऊं। और अब मैं एक साइड पे इसके ये चेरी रख दूंगी सारे, और ये पार्सली एंड माय कैबेज, टू काइंड ऑफ कैबेज। ये देखें तैयार हो गया है और अब मैं मिडल में अपनी टर्की डाल दूंगी। वाह सिद्दीक, कम या कम विद मी। सो सिद्दीक मेरे साथ अब आ गया है, खाने का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओ That looks delicious. That looks delicious. और अब सबसे this is pasta, this is mozzarella cheese. So mozzarella cheese को मैं ऐसे डाल दूंगी। Unbelievable, wait. Yeah. मैं mozzarella cheese आधा डाल देती हूँ और आधा मैं आखिर में डालूंगी। So इसके बाद जो process होगा वो ये होगा, जो हमारा ऑयल है, जो ये दिस इज आवर ड्रेसिंग, इट्स लोड्स ऑफ थिंग्स इन देयर, सो इसको गुड शेक दे दे
कंबाइन करें सारी चीज़ों को। अब इसको आहिस्ता से मिला दें, ऐसे मिलाए कि हर चीज पे ये I'm just salivating. इसको ऐसे करके ड्रेसिंग को डाल दे कि ईच ऑफ एवरीथिंग कोटेड विद दिस ड्रेसिंग। अगर आपको नमक बाद में थोड़ा कम लगे तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं नमक और ब्लैक पेपर। मैं बच्चे भी खाएंगे तो मैंने ब्लैक पेपर ज्यादा नहीं डाला। और अब इसको शेक 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 कर। It's a bit cold in here. It's freezing. मेरा किचन खोल दीजिए पहले क्योंकि मुझे I feel really hot in my kitchen. So I have to make it cold. Okay. So अब इसको Bowl's not big enough. Bowl मेरा bowl छोटा है। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा बड़ा बोल लेती हूँ। No, it's fine. It's fine. Just have it like that. We don't have to mix it. It looks great. It's look great. Oh. But we need to mix it. Yeah. मेरा बोल काफी छोटा है तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं दो बोल मिला डाल देती हूँ। मैंने ज्यादा बना लिया क्योंकि सब बच्चों ने खाना था तो मैं इसको दो बोल में डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने हाफ एंड हाफ कर दिया तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। Look at that, guys. Yeah. Oh dear. Taste is amazing. क्योंकि मैंने बच्चे नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए बनाया था and it was really amazing. I'm gonna put it on one bowl now. Dina, you will love it. Dina's gonna love it. Because it's so healthy. Basically, honestly, I cook it for Dina and Maliha because they both were on diet. सारा बोल बन जाए, फिर थोड़ा सा चीज ऐसी ऊपर क्या कहते हैं ड्रेसिंग के लिए डाल दें। क्या कहते हैं? ये और अब टॉप पे आपके अपना लेमन निचोड़ दें। ये देखें, ठीक है। यदि आपको सारा दिखाती हूँ, मैं अपना टेबल थोड़ा साफ कर लूँ। Honey, you want to try? नाके के बगैर मैं थोड़ा सा पैनिक होती हूँ क्योंकि जब वो होती है ना तो साथ साथ वो बर्तन धोती है, काम करती है। मजे की बात ये है कि बच्चे भी ये खा सकते हैं। It's amazing. Amazing. So, ये मेरी हना भी अब आ गई है। बच्चे बहुत ज्यादा खफा है क्योंकि वो चाहते हैं कि सुमो उनके साथ गपशप लगाए। तो मेरी हना भी बैड मूड में है। मैं जल्दी से ट्राई करती हूँ और फिर आपसे खुदा हाफिज कहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी हना के साथ खेलना है। ये मेरी हना बना है, सिद्दीक की बेटी है। हना, यू स्टार्ट दे, ओके? ओके, सो क्योंकि मेरा सिद्दीक इधर होता है तो मैं हमेशा अपना फूड सिद्दीक से ट्राई कराती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब सिद्दीक मेरी तारीफ करे। सो आई रियली लव व्हेन सिद्दीक से ओह मामा फूड इज नाइस, दैट्स लाइक हेवन फॉर मी। ओह इज इट? सो आई एम गोना आस्क सिद्दीक टू ट्राई एंड ही ऑलवेज गिव वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। ओह व्हेयर एम आई गोइंग एनीवे? या यू कैन बट एवरीथिंग वेट आई एम गोना होल्ड इट। Wait, okay. Where should I go? Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oh. Go with a little, you should use, four. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. One is good. Say the truth. One is good. Is it? So I deserve the kiss? Mwah. Oh, that's good. Well, our dressing is really nice. Isn't it? That's homemade dressing. और आप इस ड्रेसिंग को बना के अपने फ्रिज में एक वन मंथ के लिए रख भी सकते हैं जार में। That's really good. You guys should try that. Okay, so try this. I'm gonna have like six bowls of this. Inshallah.
सो ट्राई भी कर लिया है और अभी मुझे भी जल्दी है. मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के, मैं कभी भी वीकेंड पे व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बनाना पड़ता है, पर आप लोग भी मेरी फैमिली हो सो इसलिए मैंने आज ये पास्ता इनके लिए बना रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूं. एंजॉय करें इसको एंड खाएं इसको, जाएं एंड बनाएं. सो मेक योर फैमिली दिस पास्ता एंड इंशाल्लाह I'm gonna say bye to you people love and see you in next vlog. So चले मिलते हैं next vlog में. अल्लाह हाफिज़.